Good morning students, welcome back to your English class. So today you are going to learn a new chapter, lesson 8, Skipping Shoes. Okay, in this lesson you are going to read about a little girl named Kitty. Is lesson mein aap ek choti si ladki Kitty ke bare mein padhenge. Okay, who is not at all helpful or she doesn't obey her parents. Wo bilkul bhi helpful nahi hai अपने पेरेंट्स के लिए या फिर किसी के लिए, वो कभी भी अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनती है. ओके, एंड वन डे शी पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ मैजिक शूज. एक दिन वो क्या करती है, अपने पैरों में एक पेयर क्या करती है, शूज जो है एक मैजिक शू लगा देती है. एंड देन व्हाट हैपन, स्ट्रेंज थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग. उसके साथ में एक स्ट्रेंज, मतलब नॉट ओनली एक, मतलब बहुत सारे स्ट्रेंज थिंग्स शुरू हो जाते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट एंड रीड दिस स्टोरी. ओके, वंस देयर वाज अ गर्ल नेम्ड किटी. एक बार एक लड़की जिसका नाम क्या था, किटी था. ओके, हु डिड नॉट वांट टू डू व्हाट पीपल आस्क्ड हर टू. वो क्या थी, वो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी जो लोग उससे कहते थे. ओके, कोई भी अगर कुछ भी कहता है, शी डजंट वांट इट, शी डजंट वांट टू लिसन. ओके, I want and I can't. वो उसके उसकी जगह पर वो क्या बोलती थी, तुरंत वो ग्रम्बल करने लगती थी. I want, मैं नहीं करूंगी या फिर मैं नहीं कर सकती. ओके, वन डे शी वॉज गिवन अ पेयर ऑफ शाइनी न्यू शूज एंड बेयरली हैड किटी पुट देम ऑन देन हर मदर कॉल्ड. तभी क्या हुआ, एक दिन उसे एक शाइनी, क्या हुआ, एकदम शाइन करता हुआ उसे शूज मिला था. ठीक है, गिफ्ट में मिला होगा. तो क्या किया उसने, उसको जस्ट पहना ही था. ओके, जस्ट पहना ही था कि उसकी मदर ने उसे क्या कर दिया, बुला लिया. ओके, एंड उसकी मदर ने बुला के कहा कि ठीक है, और क्या कर सकती थी, जब वो वहां पहुंच गई तो उसने बताया, उसकी मदर ने मैसेज को दिया.
जैसे ही जल्द ही वो कहाँ पहुंच गई, एक ब्रिज के पास पहुंच गई, ठीक है, जहां पर वो खड़े होकर के बोट देखना चाहती थी, है ना। और वहां पर अगर वो बोट देखती तो क्या होता, वो क्या हो जाता, फॉरगेटिंग स्कूल एंड हर फादर्स लेटर। वो वहां जाती तो क्या करती, अपने स्कूल के बारे में भूल जाती, अपने फादर के लेटर के बारे में भूल जाती, है ना। बट शी बट लाइफ वो चेंज होता है कि नहीं होता है ना, वेदर शी स्टार्ट